अच्छा भैया, मगर तुम ये बताओ कि तू पीएचबी कल्चर से मक्का के बीज को उपचार कैसे करो? हूँ मक्का का बीज का पीएचबी कल्चर से उपचार करो, तुम देख लियो। ये सबसे पहले तो हम भाई प्लास्टिक थैली लेकर बीचे रोयो। यह थैली के ऊपर हम 1 किलो मक्का का बीज डाली रोयो। अभी हम 1 किलो मक्का का बीज में 5 ग्राम पीएसबी कल्चर डाली रहे हो। अभी वो अच्छी तरह से यहाँ का मिले रोज की क्यों हर दाना पे को पेज में कल्चर को लगी जानू चाहिए जी। ये अब अपने 1 किलो मक्का को बीज उपचार हो गयो और मैं कहूँ तगारी में डाली रहो। अभी कल्चर अपनो उपचार तो भी गयो और जो आधा घंटा के लिए अच्छो छाव में सूखने के रखी रहो और सूखे जाए आधा घंटा बाद। अगर अपना वाहणू है तो वाही भी सको और अगर चोपणू है तो चोपी भी सको। अच्छा भाई, मैं तुम्हें बताओ कि तुमने जो पीएचबी कल्चर से मक्का के बीज को उपचार कर रहा है, एकास तुम्हें कई फायदों से? अपना का एकास से पीएचबी कल्चर से तो भैया क्यों फायदो है कि जो जड़ के अंदर जो बीमारी लगे मक्का में वो कहा से जड़ का खराब नहीं होती और पौधा अच्छा स्वस्थ रहेगा। एकास से पीएचबी कल्चर का एकास जरूरी से उपचार करना जरूरी रहे। एकाद से एक फायदा हो फबुना से बीमारी भी नहीं लगती और पौधे अच्छे स्वस्थ रहे और कुछ खाद की मात्रा भी कम लगत। एकाद से न तो मक्का के ऊपर कोई बीमारियाँ होती और पौधे अच्छे स्वस्थ रहे न उत्पादन भी अच्छे मिलत। एकाद से हम एक पेज भी कल्चर से जो उपचार कर बीज का लगावा और बोई भी सकान। अच्छा भैया, तुमने जो पीएचबी कल्चर से मक्का के बीज को उपचार कर जो मैं जानकारी दी कारण तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर पीएचबी कल्चर को मक्का के बीज को उपचार से तुम अन्य किसान भाई का संदेश देना चाहो? अच्छा तो भाई सब किसान भाइयों को संदेश दे रहा हूँ कि जब भी अपन खेत के लिए मक्का बीज बोने की तैयारी करा पीएचबी कल्चर से करना चाहिए जी। और पीएचबी कल्चर से अपना का मक्का की बोनी करते समय को उपचार करना से बहुत फायदो है। एक तो मक्का के अंदर फफूंद आता है बीमारी नहीं लगेगा, दूसरा फायदो है कि अगर अंदर पौधों भी स्वस्थ रहेगा और अपना का कि उपज भी अच्छी मिलेगा। सब किसान भाइयों से यही विनती है कि अब जब भी अपन बोनी करना चाहवा पीएचबी कल्चर का बीज का उपचार कर ही लेवा और एकाद से बोनो चाहिए। हम सब किसान भाई यही कहना चाहूँ कि अपना का मक्का का बीज का उपचार करना का पीएचबी कल्चर से करी बोनी बोनो चाहिए। सब किसान भाई ना का मारो राम राम। अच्छा भैया, तुमने जो मक्का पीएचबी कल्चर से मक्का के बीज का उपचार की जानकारी दी कारण तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राम राम।